Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो एक होता है कॉन्फिडेंस, जो इंसान से पहाड़ तक चढ़वा दे, लेकिन फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस की खास बात यह होती है कि इसमें इंसान पहाड़ से कूदने तक का काम कर लेता है, हालांकि कूदते हुए आधे रास्ते में उसे एहसास होता है कि भैया अब तो गई भैंस पानी में। कुछ ऐसा ही ओवर कॉन्फिडेंस था बस्ती के इन दो बदमाशों को। तभी तो दिन दहाड़े दुकान में घुसकर बंदूक की नोक पर लूटपाट करने चले थे, लेकिन बंदूक प्लास्टिक की थी। और इसके बाद जो हुआ वो तो भैया तौबा तौबा तौबा। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल वाकया है पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बरदहिया बडेरिया बुजुर्ग चौराहे पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान का, जहां दो लुटेरे प्लास्टिक का पिस्टल लेकर एक दुकान में लूटपाट करने पहुंच गए थे। मगर उन्हें क्या पता था कि जिसके साथ वो लूटपाट करने जा रहे हैं वो है सवा शेर। हुआ यूं कि दोनों लुटेरे पूरी योजना बनाकर, हेलमेट लगाकर, प्लास्टिक का पिस्टल लेकर दुकान में घुसकर लूट करने पहुंच गए थे। जैसे ही उन्होंने व्यापारी को धक्का देकर लूट करने का प्रयास किया तो व्यापारी भी उनसे भिड़ गए, और तब तक लुटेरे को नहीं छोड़ा जब तक अगल बगल के लोगों ने आकर उन्हें पकड़ नहीं लिया। इस दौरान लुटेरे और व्यापारी के बीच जमकर गुत्थम गुत्था हुई। वहीं प्लास्टिक का पिस्टल दिखाकर लुटेरों ने व्यापारी को डराने का भी प्रयास किया, मगर वो निडर होकर लुटेरे से लड़ते रहे और उन्हें हवालात पहुंचा दिया। एक बदमाश भागने में सफल रहा जबकि दूसरे को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसकी पहचान जौनपुर के निवासी प्रदीप यादव के रूप में हुई है, जो शहर के माली टोला में किराए पर रहता है। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो सुनिए। 25 जुलाई 2024 को थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के हड़िया चौकी में एक हनुमान प्रसाद चौहान की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। दिन में करीब 2:30 बजे के लगभग दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से, जिन्होंने एक ने हेलमेट पहन रखा था, एक ने अपने चेहरे पर गमछा लगा रखा था, उनके पास आए और मारपीट करके उनके साथ लूट की घटना खारिज करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा तत्काल इस सूचना पर मौके पर विजिट किया गया। वहाँ स्थानीय लोगों पुलिस की सहायता से मौके पर ही एक अभियुक्त को पकड़ा गया। उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल, उसके बैग में मिर्च पाउडर और एक प्लास्टिक की वो पिस्तौल नुमा एक लाइटर गन उसके पास से बरामद हुई। पकड़े गए व्यक्ति का नाम प्रदीप यादव था, जो जौनपुर का रहने वाला है। वहाँ पर भी उसका आपराधिक इतिहास है और एक लूट के मामले में वहाँ से वांछित था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर तहरीर प्राप्त करके अभियुक्त पंजीकृत किया गया और इस संबंध में मौके से पकड़े गए अभियुक्त का नियमानुसार न्यायिक रिमांड प्रस्तुत किया गया। दूसरे अन्य अभियुक्त की और अन्य साक्ष्य संकलन के संबंध में जो आवश्यक विधिक कार्यवाही है प्रचलित है। तो पुलिस ने एक अपराधी को हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन वहीं दूसरा अपराधी अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। हालांकि इस पूरी घटना से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रात दिन लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते प्रदेश में अपराधियों के हौसले अभी भी इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े इस तरह के कांड को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। बहरहाल, क्या इस खबर पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।